2019 आम चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, विपक्ष की राह का सबसे बड़ा रोड़ा, अंतिम समय में बाजी पलटने में माहिर नरेंद्र मोदी। अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के एक दिन बाद कप्तान मैदान में उतरने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी अपनी टीम के लिए स्लॉग ओवरों में छक्कों की बरसात करेंगे तो विपक्ष के छक्के भी छुड़ाएंगे। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव का पहला चरण अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ऐसे में रणनीति के तौर पर पार्टी पीएम को चुनाव का ऐलान होने के 18 दिन बाद जनता के बीच उतार रही है। पहले ही दिन मोदी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी इसकी शुरुआत चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के मेरठ शहर में 11 बजे दिन में जनता से एनडीए के लिए वोट मांगने पहुंचेंगे। मेरठ की इस रैली से नरेंद्र मोदी पूरे पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान है। मोदी इस रैली के जरिए इन 8 सीटों को सीधे संदेश देंगे। वैसे तो इस रैली में जोर मुजफ्फरनगर और मेरठ लोकसभा सीट पर है, लेकिन आसपास की सीटों से जुड़े उम्मीदवार भी इसमें बुलाए गए हैं। मोदी की इस रैली में विकास, किसान और स्थानीय मुद्दों के अलावा मिशन शक्ति, आतंकवाद, पुलवामा, एयर स्ट्राइक का जिक्र हो सकता है। बीजेपी के लिए जाट मुस्लिम वोट जुटाना एक बड़ी चुनौती है, खासकर 2017 में कैराना उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी के लिए यहां सेंध लगाना आसान नहीं होगा। मेरठ के बाद पीएम उत्तराखंड का रुख करेंगे। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम की चुनावी रैली होगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिहाज से पीएम की रैली को काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी। आपको बता दें कि बीती 14 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आए मोदी तब रुद्रपुर में आयोजित रैली में खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि मोबाइल से सभा को संबोधित कर उन्होंने जल्द रुद्रपुर आने का वादा किया था। पीएम करीब 1:30 बजे यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू रवाना होंगे। जम्मू के अखनूर के डूमी में पीएम मोदी की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव अभियान की मजबूत शुरुआत होना तय है। इस जनसभा में जम्मू रूरल, अखनूर, जम्मू, जम्मू वेस्ट, पुंछ, आरएसपुरा, राजौरी, नौशेरा, सांभा जैसे क्षेत्रों से 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। शाम 3 बजे होने वाली ये रैली जम्मू पुंछ संसदीय सीट को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जम्मू और लद्दाख में बीजेपी को बड़ा जनसमर्थन मिला है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम की रैली से जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी 29 मार्च को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में रैली करेंगे। इन सभी स्थानों पर पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पीएम के चुनाव प्रचार अभियान को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हर रैली के जरिए 3 से 4 संसदीय सीट को शामिल करने की योजना है। पार्टी की योजना प्रधानमंत्री के दिन भर में 4 रैलियां कराने की है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के कुल 20 चरण तैयार किए गए हैं जिसमें पीएम मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में भी मोदी 10-10 रैलियों को संबोधित करेंगे। इन दोनों ही राज्यों में 7 चरणों में मतदान होगा। अनुमान है कि पीएम मोदी कम से कम 150 रैलियों को संबोधित कर चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।